12 सितंबर 1942 आर्मिस लेकोनिया मिड अटलांटिक होकर इंग्लैंड जा रही थी और इसमें घर लौटे आम लोगों के साथ साथ सैकड़ों कैदी थे। ये शिप पूरी तरह से असुरक्षित था और किसी जमीन भूभाग से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर स्थित था। इस दौरान एक जर्मन शिप ने इसके ऊपर हमला कर दिया और इसके बाद एक के बाद एक दो टर्बाइनों इस शिप का इंजन के साथ टकरा गया। लेकोनिया में जब तेजी से पानी भरने लगा तब इसका मुसाफिर और क्रू हैरान हो गया। इंग्लैंड जाने वाले कैदियों ने अपने जान बचाने के लिए काल कोठरी से निकलकर पानी में कूद गया। जो लोग लाइफ बोट में चढ़ने की कोशिश किया उनके ऊपर बेरहम फायर किया गया। ज्यादातर लोग ठंड में मारे गए, लेकिन उस रात अटलांटिक में कोई और शिकारी भी था जो लोगों को खींच कर पानी के नीचे ले जा रही थी। इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जिमी वेड। जिमी के बयान में ज्यादातर लोगों का मानना है ज्यादातर कैदी डूब गए थे और जो नहीं डूबे थे उन्हें शार्क खा गया था। लेकिन ये कहानी पूरा नहीं था। कई सारे लोगों को सतह के नीचे खींच लिया गया और फिर लोगों ने सिर्फ उनका लाइफ जैकेट को ही ऊपर आते देखा है। कई दिन बाद बचाने वालों को जो सब लाशें मिला उनके ऊपर पानी की जीवों ने हमला किया था। उन्हें काटे जाने वाले जो निशान थे उनमें से आज तक कोई भी जीवों का पहचान नहीं हो पाए। लेकिन आखिर में ये थे कौन? मरने वालों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा थी। जिन लोगों ने यह बयान लिखा था वो तो कब का ख़त्म हो गई थी, लेकिन इनमें से कई भी आज भी जिंदे हैं जो उस रात लेकोनिया के साथ नहीं डूबे। और जिमी ने एक शक को ढूंढने में कामयाब हुए, लेकिन उस समय पर इनका उम्र सिर्फ 14 साल थी। इनका नाम थे जोसे। जोसे के बयान पर उनकी पिता उन्हें लेकर लाइफ बोट में चढ़ गई थी और उनका बोट जब पानी में उतारा गया तब इतालियों का कैदियों ने उन पर चढ़ने की कोशिश की और उन्हें गोली मार दिया गया था। सुबह तक उन्हें ये सब लोगों की चीख सुनाई दी। अगले दिन उन्हें पानी का रंग लाल देखा और वहाँ पर शार्क ने दावा तोड़ा रही थी। इस जानकारी से जिमी को ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन जिमी का इन्वेस्टिगेशन में शार्क तो वहाँ पर अगले सुबह पहुँची थी, पर उसका पहले रात में कौन से शिकारी थी जिमी को इसका जवाब चाहिए और मामला धीरे धीरे और भी पेचीदा होने लगा। अब जिमी ने वहाँ पर जाने का फैसला लिया जहाँ पर लेकोनिया डूबा था। लेकोनिया की आखिरी दर्ज पोजीशन थी 5 डिग्री दक्षिण और 11 डिग्री पश्चिम और पानी की गहराई थी 3600 मीटर। जिमी को किस्मत तो साथ दिया पर उन्हें एग्जैक्ट पोजीशन से 400 किलोमीटर दूरी पर जाने की परमिशन मिला क्योंकि ये जगह एक मिलिट्री बेस कैंप है और ये वहाँ से और नज़दीक नहीं जा सकती। अगले दिन जिमी और उसका टीम एसेंशियल आइलैंड पर पहुंचा। एसेंशियल आइलैंड दुनिया की सबसे सिक्योर आइलैंड में से एक है। एसेंशियल आइलैंड अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच में स्थित है। जिमी और उसका टीम बीच समुद्र में फिशिंग के लिए निकलते हैं और समुद्र के बीच में पहुंचने के बाद कुछ मिनट के अंदर फिशिंग लाइन में कुल हलचल होने लगा, लेकिन यह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, यह बस एक टिगर फिश है। टिगर फिश का खासियत यह है इसका सबसे खतरनाक दांत, हो सकते इसका दांत से वो निशान बने होंगे, पर टिगर फिश रात के अंधेरा पर नहीं निकलती। लेकोनिया पर 8 बजे हमला हुआ था और लगभग 9:30 तक शिप डूब गए थे, यानी कि शिकार आंखों देखे नहीं आया था। हजार लोगों की चीख और पानी में हलचल होने की वजह से ये जीव वहाँ पर पहुंची थी। अब सवाल यह है रात पर कौन से शिकारी पानी में मौजूद सिग्नल से शिकार ढूंढते। जिमी ने फिर से एक बार वो फाइल खोलते और दोबारा स्टडी करने के बाद जिमी को एक शक नजर आते। आंखों देखे गवाह के बयान पर उस रात उन पर बड़े साइज के हमलावर और चांदी जैसे रंग वाले बड़े झुंड में हमला किया था और इससे एक बात तो क्लियर थी ये जीव रात पर झुंड में निकलती है। यंग पील इन लोगों में से एक थे। यंग पील को किसी लाइफ बोट में चढ़ने की मौका नहीं मिला, लेकिन किस्मत से उन्हें एक बड़ी सी लकड़ी पर चढ़ने की मौका मिला और उन्हें लोगों को शार्क शार्क चिल्लाते हुए सुना था। ये शार्क तो नहीं था लेकिन बहुत सारे सुरमे रंग की दमदार शिकारी था जो लोगों पर धुआंधाम हमला कर रही थी और ये तो किसी शार्क से भी कई गुना ज्यादा दमदार थी। रात में यंग पील लकड़ी के ऊपर अकेला और बहुत ही डरे हुए थे। पानी के ऊपर तैरते हुए भी इनका पैर पानी में था और अचानक इसका बाएं पैर में बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ और जब उन्होंने अपने पाँव को ऊपर खींचा तो वहाँ पर गोल घाव के निशान थे। इन समुद्र पर झुंड बनाकर शिकार करने वाली बहुत सारे मछलियाँ, लेकिन उन्हें ये विशाल जगहों पर खोज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिमी ने रात में निकलने की फैसला लिया, लेकिन उनसे पहले एसेंशियल आइलैंड पर आम मछुआरे से उन्हें एक जबरदस्त सुराग मिला। उनके पास एक ग्रीन डोरारो थे जिसका शरीर का कई जगहों पर गोल घाव के निशान है और ये कुकी कटर का काम है। कुकी कटर एक शार्क स्पीसीज है और ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये तेज भी है, रात में निकलते हैं और ये झुंड में शिकार करते हैं। और इस बात से पूरा निश्चित हो गया यंग पील का पैर में हमला करने वाले मछली कुकी कटर थे और इसका मतलब उस रात कई तरह के शिकारी वहाँ पर मौजूद थे। जिमी को दूसरा शिकारी के बारे में तो बहुत ही जल्दी पता चल गया था, पर पहले वाले अभी भी एक राज था। रात के 9:30 बजे तक जिमी और उसका टीम बीच समुंदर में पहुंचा, बिल्कुल वही समय जब लेकोनिया डूबा था। कई घंटे बीत जाने के बाद अचानक दो लाइन में कुछ फंसते हैं, एक पर एक हॉर्स आइजैक और दूसरा पर एक एम्बर जैक फंसते हैं। ये दोनों रात के शिकारी हैं और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी ये दोनों मछली का सिर्फ आधा हिस्सा